अभी हम हैं चौर में, विश्राम घर पे, वहाँ घर पे और यहाँ तो देखिए साथ में जो है गाड़ी भी है यहाँ पे, फूलों से सजी हुई है, देखो कितनी प्यारी लग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग पे आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो यार मॉर्निंग टाइम पे आज मैं जो हूँ ना अर्पण बना रहा हूँ, और आज कलश यात्रा है मंदिर की, तो उसी का थोड़ा बचा हुआ काम था, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये मैंने बनाया हुआ है अपने हाथ से, ये देखो तो भाई मैंने बना रखा, थोड़ा और बचा है नीचे को, ये इसको पूरा करता हूँ फिर करते हैं कंटिन्यू। तो यार दोस्तों घड़े का फाइनल लुक देखो, डिजाइन मैंने जो बना रखा है अपने हाथों से कुछ ऐसा बना रखा है जो कि आप देख सकते हो। कमेंट करके बताओ यार आपको कैसी लगी मेरी बनाई हुई अर्पण जो बना रखा है, देखो कैसा लग रहा है आपको ये बताओ मुझे। तो यार दोस्तों फाइनली जो है मैं तैयार हो चुका हूँ और निकल पड़ा हूँ अब कलश यात्रा देखने के लिए और वहाँ की यात्रा करने के लिए। काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज का ब्लॉग जो है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है, एंड तक जरूर देखें। सो हेलो इंटरनेट, तो आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ, सुबह की शुरुआत के साथ मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है। तो आज भागवत का है पहला दिन, तो आज होगा कलश यात्रा, तो चलते हैं मंदिर में। पहले हमको जाना है बंजारण नौलिंग देवता के मंदिर, फिर वहाँ से जाएंगे सभी महिलाएं और पुरुष लोग नीचे गांव में, फिर उसके बाद सीधे मंदिर में जाएंगे। तो सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा है और बादल हैं आसमान में, देखो धूप काफ़ी कम है। ओ ओ बटीने ओ तम लो बेटी क्या है, यो हमारे अम्मा जी बटी की है, ये भी कलश यात्रा में बटी गया भाई, बजरी मॉल में। और वो रहा हमारा घर जो कि काफी जंगलों से घिर गया है। अभी हमको काफी दूर जाना है, डेस्टिनी काफी दूर है, मंदिर काफी ऊंचे में है, तो आपको भी दर्शन कराएंगे मंदिर के। सुबह सुबह सूर्य भाई भी तैयार हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं मंदिर में, पहले बंजन मंदिर। तो सभी लोग ग्रामवासी वहीं पे आएंगे, वहीं सबकी भेंट होगी, फिर वहां से नीचे जाएंगे। जय हो नौलिंग बंजन देवता की। जय हो भगवान, पूछ गया हम, पूछ गया। तो हम चल पड़े हैं बंजर नौलिंग देवता के मंदिर से नीचे गांव में, जो कि गांव में सभी लोग वहीं मिल जाएंगे हमको, तो चलो चलते हैं आगे को। तो यहां पर से सभी लोगों को मतलब संदेश दिया जाता है कि हम यहां पे आ चुके हैं, काफी पुरानी रीति रिवाज है, तो यहां से चलेंगे नीचे को हम। गांव में पहुंचने को आ रहे हैं, अभी देखते हैं आगे को लोग हैं, काफी लोग बढ़ चुके हैं, अभी भीड़ काफी बढ़ चुकी है, भीड़ काफी बढ़ चुकी है, अभी और भीड़ बढ़ेगी। पहला
पहुंच चुके हैं पधाना खार में। यहाँ पे पहले से यार सभी लोग आते थे, मीटिंग वीटिंग बैठती थी, तो सभी लोग देखो आ ही चुके हैं लगभग। प्रताप दा हेलो कर देने पे हेलो आ ही ले दियो और काफी लंबा होने वाला आज कलश यात्रा, तो आपको दिखाएंगे। Oh,
तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना भव्य और कितने लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं। ये देख सकते हो गांव की जितनी महिलाएं भी हैं सारी कलश यात्रा में आई हुई हैं, ऊपर से लेके पूरे नीचे तक देखो। और आज गाड़ी भी डेकोरेट होके आ चुकी है किशन चाचा की, तो देखते हैं। ओ किशन चाचा मतलब फुल डेकोरेट है आज। ओके बढ़िया है बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए अभी सभी महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी हैं और यहाँ से थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर निकलेंगे हम आगे को। और ये देखिए ग्रुप फोटो वोटो यहाँ पे करेंगे, उसके बाद फिर आगे को और निकलते हैं। तो देखिए साथ में जो है गाड़ी भी है यहाँ पे फूलों से सजी हुई है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और बाकी यहाँ पे नगारे के साथ आपको दिखाते हैं अभी एक वाद्य यंत्र है और बाकी महिलाएं यहाँ पे ऊपर पे हैं। तो हम चल पड़े हैं धर्मगढ़ को क्योंकि यार नीचे से पैदल आ रहे हैं तो काफी लोगों को यार प्यास यास भी लग रही होगी ना, तुम समझ सकते हो। तो रसना लेके आते हैं, रसने की इंतजाम करते हैं हम इधर को। तो अभी हम जा रहे हैं धर्मगढ़ रसना लेने। तो यहाँ पर थोड़ा विश्राम चल रहा है और बाकी सभी लोग जलपान कर रहे हैं यहाँ पे गप्पो। तो पानी की व्यवस्था यहाँ पर रखी है, देखो ये बढ़िया से। फिर यहाँ से थोड़ी देर में हम निकलते हैं आगे को, फिर सीधे मिलेंगे आपको चौरे पे, वहाँ पे विश्राम करेंगे, वहाँ पे पीएंगे पानी वानी, फिर चलते हैं। देखो बाकी यहाँ पे घर पे, अरे काटना मत भाई। तो यहाँ पे देख रहा नींबू लगे हुए हैं अभी भी, मतलब इतने लगे हुए हैं नींबू, देखो ये इतने सारे नींबू लगे हुए हैं यहाँ पे ये। तो अभी हम हैं चौर में विश्राम घर पे, वहाँ घर पे, और यहाँ पे अभी मंदिर से जाएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जूस की व्यवस्था करी गई है, सभी इसमें बनेगा जूस, यह है किसान जूस। तो दोस्तों फाइनली जो है कलश यात्रा जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पानी और जूस की व्यवस्था की जा रही है और जितने भी यहाँ भक्त लोग हैं सबको जूस की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। ये देखो यहाँ पर फिर यहाँ से जूस वूस पीने के बाद, ठंडा पानी पीने के बाद फिर हम दोबारा निकलते हैं कलश यात्रा में ऊपर की ओर को, गेट से करते हैं प्रस्थान। और व्यास महाराज जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और जो भी कलश यात्रा में आ रखे हैं वो भी सब लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से फिर आगे को चलेंगे, प्रस्थान करेंगे।